चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेक्चर में। लोकसभा का जनक किसे माना गया? तो जीवी महावलंकर। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी महावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सयनम अनपंगर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या ली जाती है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। इसका कार्य रहता है कि नई लोकसभा जब गठित होती है तो उनके सदस्यों को और अध्यक्ष को शपथ दिलाना है, मतलब सदस्यों को। किसी राज्य का लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें लोकसभा में और 31 सीटें राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र, फिर बिहार में। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस आधार पर किया गया? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। कितने दिनों तक उपस्थित अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? तो 2 माह, 60 दिन। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किस अवस्था में संसद लोकसभा का काल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में। किसी विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को, धन विधेयक को। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो केएस हेगड़े के खिलाफ लाया गया था। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्य भार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत हो रहेगा? तो 2026 तक 1971 की जनगणना ली जाएगी। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं? दिल्ली में। शून्यकाल क्या है? जब आप जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया? लोकसभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। भारत में लोकसभा किसके का प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद में क्या शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा। भूतपूर्व सांसद सदस्यों का को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के, व्यक्तिगत रूप से लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र। राष्ट्रपति
भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? दो। राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? एंग्लो इंडियन का। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन के पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा के सदन के नेता। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा सदस्य अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि द्वारा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच समय कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद सदस्यों की को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 16,000 रुपये। सांसद को सुचारू रूप में अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? 23,000 रुपये। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हर एक सदस्य के प्रति महीने कितना वेतन होता है? तो 50,000। ठीक है, चलिए लोकसभा देख लिया इस लेक्चर में हमने।